हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट पॉलिनोमियल एंड जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस किया था एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक, रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। वी नो दैट फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, e raised to power 2zx minus z square is equal to summation non n equal to 0 to infinity hnx upon n factorial into z raised to power n। ठीक है, ये हमें जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल से हमें ये जो टर्म है ये हमें पता है। ठीक है, अब e raised पर 2zx minus z square को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम e की पावर में x square और minus x square, ठीक है, x square को एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी टर्म हमारी एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, ये हमारी टर्म एज इट इज़ रहेगी, बस हमने एक्स स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, हमारी जो नेगेटिव साइन है वो हम कॉमन लेंगे, तो ये सारे टर्म में ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन को कॉमन लेके हमारे पास क्या आएगा, ई रेज पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस टू जेड एक्स था तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो माइनस टू जेड एक्स, एंड यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर था तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये ए हमारी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड रेस्ट पर टू। ठीक है, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। अब इसे एक्स माइनस जेड की जगह हम जेड माइनस एक्स भी लिखें तो भी हमारी सेम ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो इस ई रेस्ट पर टू जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड ये जो हमारी टर्म है इसे हम एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो एक एक करके हम एन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक बार हम एन इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, देन वन, देन टू, एंड सो ऑन हम एन तक इसे पुट करेंगे। ठीक है, और हमारा एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, अगर हम एन इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे देन हमारे पास आएगा एच नॉट एक्स अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल जेड रेस्ट पर ज़ीरो, देन हम यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो एच वन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल जेड रेस्ट पर एन, एंड सो ऑन एन एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल जेड रेस्ट पर एन, और ये टर्म भी हमारी आगे एक्सपेंड होगी, विच विल बी इक्वल टू एच एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल जेड रेस्ट पर एन प्लस वन, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी एक सीरीज मिलेगी हमारी इस एक्सपोनेंशियल टर्म की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, सी लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर वन, देन वी विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू जेड एन टाइम्स। ठीक है, हम एन टाइम्स अपनी इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि हमने ई एक्सपोनेंशियल की टर्म को इस वे में लिखा है तो एक्सपोनेंशियल की टर्म को हम इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ली एन अपॉन कर्ली जेड रेस्ट जेड एन ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स भी है और जेड भी है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो एक्स और जेड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अगर हमें जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू जेड एन टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल जेड रेस्ट पर एन विद रिस्पेक्ट टू जेड एन टाइम्स। ठीक है, अब ये एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल जो है ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो है वो जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये टर्म हमारी बाहर आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अब डिफ्रेंशिएशन जो है वो सिर्फ इस टर्म का होगा, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो एन फैक्टोरियल होगा। ये कैसे होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा कि जेड रेस्ट पर एन का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में एन टाइम्स तो एन फैक्टोरियल आएगा। ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स रेज टू पर फाइव। ठीक है, हमारे पास ये एक फंक्शन है एक्स रेज टू पर फाइव, इसे हमें फाइव टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जेड रेज टू पर एन था, ठीक है, एन टाइम्स हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है, वैसे ही हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं एक्स रेज टू पर फाइव,
तो हम इसे 5 times डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आएगा 5x^4। देन हम फिर से इसे डिफ्रेंशिएट, ये कितनी बार हो गया, 1 time, ठीक है, एक बार हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या होगा, 5×4x^3, ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर अब एक बार और करेंगे, क्या होगा, 5×4×3x^2, मतलब ये 3 times हो गया। अब फिर से करेंगे 5×4×3×2x, ठीक है, कितनी, 4 times हो गया। अब फिफ्थ टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5×4×3×2×1। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 factorial, ठीक है। जैसे यहाँ पे x^5 था तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन 5 times किया तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, 5 factorial। सिमिलरली अगर हम z^n का डिफ्रेंसिएशन करेंगे n times विद रिस्पेक्ट टू z तो हमारे पास क्या आएगा, n factorial। मतलब जो भी हमारी पावर होगी हमारे फंक्शन की, उतनी ही फैक्टोरियल हमारे पास उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे z=0, ठीक है, इस टर्म में हम z=0 पुट करेंगे, ठीक है। इस राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो गया, n factorial के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ hnx है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई भी z की टर्म नहीं है। लेकिन इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिफरेंशियल है z विद रिस्पेक्ट टू z n टाइम्स, ठीक है। इस जो ये जो डिफरेंशियल है इसे हम लिख सकते हैं कि ये वो डिफरेंशियल है जहाँ पे हमारे z की वैल्यू क्या है, 0 होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे z-x=t, ये जो हमारी टर्म है इसे हम z-x को कंसिडर करेंगे =t, ठीक है। अब क्योंकि हमने z=0 कंसिडर किया है तो मतलब जब हमारा z=0 होगा तो हमारे t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे z=0 पुट करेंगे, -x=t, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी, -x, ठीक है। और क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आएगा, dz-, क्योंकि x जो है वो t पे डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन z जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 = पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t। तो इस टर्म में से हम लिख सकते हैं कि dz upon curly t जो है वो =1 है, ठीक है। ये curly t को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, curly z upon curly t = 1, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास z का फंक्शन है लेकिन हमने z-x को t कंसिडर कर लिया और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो विद रिस्पेक्ट टू z है, तो इसे भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है वो हमने t में कन्वर्ट कर दी। तो curly z जो है उसकी वैल्यू को जब हम curly z को पार्शियल डेरिवेटिव जो है z के रिस्पेक्ट में, उसे अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें curly upon curly t चाहिए, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, curly z into curly z upon curly t। हमने क्या किया, जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसे एक बार मल्टीप्लाई करा, करली जेड को एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, ठीक है। हमने क्योंकि हमें करली टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, करली टी को हम कैसे लिख सकते हैं, curly z into curly z upon curly t, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास curly upon curly t ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, curly z upon curly z को एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, और इस इक्वेशन से हमें पता है कि curly z upon curly t, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो मतलब हमारे पास जो curly z upon curly t है या फिर curly t और curly upon curly t जो है वो किसके इक्वल है, curly upon curly z। तो हम ये एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि curly upon curly z = curly upon curly t, और इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इस टर्म में हमने पहले z-x को t पुट किया, देन क्योंकि ये फंक्शन हमारा t के रिस्पेक्ट में होगा तो हमें जो पार्शियल डेरिवेटिव था वो भी t के रिस्पेक्ट में चाहिए था, ठीक है। तो हमने ये जो यहाँ पे हमने ये z-x को t पुट किया था तो हमें curly upon curly t भी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, उससे हमारे पास ये वैल्यू आई थी। यहाँ से हमने लिखा कि curly z upon curly t है वो 1 के इक्वल है, और curly upon curly t को हम लिख सकते हैं curly upon curly z into curly z upon curly t, जहाँ पे इस टर्म की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई =1। तो मतलब हमने लिख दिया कि curly upon curly z = curly upon curly t। अब ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे,
तो हमारे पास क्या आएगा, एच एन एक्स विल बी इक्वल टू करली अपॉन करली टी, ठीक है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी एनी टाइम्स, ठीक है, बाकी ये यहाँ पे हमने करली अपॉन करली टी पुट किया, देन ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमने टी पुट किया था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट की थी और हमें पता है कि जेड इक्वल टू जीरो पे एट जेड इक्वल टू जीरो हमारी टी की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये तब होगा जब टी इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब इस टर्म को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर, हमने अलग अलग करके ये एक्सपोनेंशियल टर्म को लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अब ये टी का ही पार्शियल डेरिवेटिव, जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो एक्स वाली टर्म है इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि इस टर्म के लिए ये अब कॉन्स्टेंट होगा, तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, देन वी विल हैव करली अपॉन करली एन अपॉन करली टी एन इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर, तो हमारे पास सिंपल ये टर्म बची और कंडीशन क्या है, टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्योंकि टी इज इक्वल टू माइनस एक्स है, अब हम फिर से इसका डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है, ये जो टर्म है इसका डिफरेंशियल लिया तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल लिया करली टी इक्वल टू माइनस करली एक्स, और वी कैन राइट करली टी अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम नीचे ले गए एक्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, करली टी अपॉन करली एक्स इक्वल टू माइनस वन। जैसे हमने यहाँ पे करली अपॉन करली टी की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम यहाँ पे करली अपॉन करली एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। करली अपॉन करली एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, करली अपॉन करली टी इंटू करली टी अपॉन करली एक्स, जहाँ पे इस टर्म की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमारे पास माइनस वन, तो हमारे पास करली अपॉन करली एक्स की वैल्यू कहेगी माइनस ऑफ करली अपॉन करली टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, करली अपॉन करली टी की जगह पे पुट करेंगे करली अपॉन करली एक्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल एन टाइम्स है तो यहाँ पे जब हम करली अपॉन करली एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस वन रेस्ट पर एन फैक्टर आएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है वो एन टाइम्स है, ये जो वैल्यू थी ये करली अपॉन करली एक्स की सिर्फ एक बार डिफरेंशियल पे है, लेकिन यहाँ पे एन टाइम्स हमने डिफरेंशियल लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये एक बार पे हमारे पास माइनस वन, मतलब कि माइनस साइन यहाँ पे आया, तो अगर हम एन टाइम्स डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास माइनस वन रेस्ट पर एन फैक्टर भी आएगा। एंड यहाँ पे हम जब करली अपॉन करली एक्स पुट करेंगे और यहाँ पे टी की वैल्यू क्योंकि हमने माइनस एक्स पुट की है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी को हमने माइनस एक्स किया था, ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस टी की जगह पे माइनस एक्स देन स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म आई, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। अब अगर हम देखें तो इस टर्म में हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उसकी पावर सिर्फ एक्स में है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसे हम कंप्लीट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, इसलिए हमने ये पार्शियल जो डेरिवेटिव था इसे हमने कंप्लीट डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, और ये जो वैल्यू है ये हमारा है रॉड्रिग्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलीनोमियल। और यहीं पे हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड होगा। आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू।